बिजनौर में 14 वर्षीय नाबालिग अपने भाई के साले के साथ फरार हो गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बरामदगी के बाद उसे बाल कल्याण समिति लाया गया, जहां बयान दर्ज कराने के बाद किशोरी अपने भाई के साथ वापस घर जा रही थी, लेकिन कुछ कार सवार लोग युवती को समिति के गेट से उठा कर ले गए। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि बिजनौर कलेक्ट्रेट में बाल कल्याण समिति के दफ्तर के गेट से निकलते ही कार सवार प्रेमी पक्ष के लोगों ने किशोरी का अपहरण कर लिया और फरार हो गए। गाड़ी में दो महिलाएं भी पहले से ही बैठी हुई। हम यहाँ पे गए जगह, हम इतने हम पहुंचे नहीं, जबरदस्ती में लड़की दोनों के सामने गाड़ी में बिठा दी है, ना हमें लड़की दी है ना कुछ दिया है, जबरदस्ती में लड़की सिवारे थाने का हूँ, सब हमारे गांव में सद्दू बेरखा, अब दरोगा का नाम है महेंद्र सिंह। कब से गायब थे तुम्हारी बहन? हमारी बहन 30-17 तारीख से गायब। अच्छा, पिछले महीने की उम्र 14 साल 5 महीने, 1-2 दिन रहे, 1 दिन था। मामला ये था कि लड़की महेंद्र सिंह एसआई के द्वारा आई थी, और लड़की सुबह से अपने पेरेंट्स के साथ जाने को मना कर रही थी। आगे को लड़की भेजी, जैसे ही लड़की आगे गई उतना तो लड़की कांस्टेबल को और उन्होंने भी दरोगा जी को, और लड़की खुद तुरंत आगे ये और गाड़ी में कोई गाड़ी में से उतरता दिखाई नहीं दिया, कोई गाड़ी में चसा दिखाई दिया, पर लड़की धक्का मारा, लड़की मतलब लड़की खुद गई, इसका मतलब लड़की खुद गई, बालिक थी नाबालिक थी, नाबालिग थी लड़की, लड़की खुद गई। हमने तुरंत जो है दरोगा जी को अपना फोन करा, 112 को कॉल की, एडिशनल एसपी को कॉल की, अपने डीपीओ सर को कॉल की, हमने सब जगह फोन मिला और उन सबको